जी कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। और इससे पहले वाला वीडियो आपने जरूर देख लिया होगा, क्योंकि आज की जो ये शॉर्ट हैंड डिक्टेशन है जिसको कि मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसमें जो स्मार्ट आउटलाइन यूज होंगी ये ऑलरेडी उस वीडियो से लिंक होंगी जो मैं आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये अलग अलग सेपरेट इसलिए अपलोड करती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट को सिर्फ आउटलाइन चाहिए होती है, कुछ स्टूडेंट्स को पूरी डिक्टेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, तो सबके लिए यूजफुल होना चाहिए ताकि आप जिस लेवल में हैं, जहां भी हैं, उसको मैनेज कर पाए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज हम इस डिक्टेशन को पूरा करेंगे और अपनी स्पीड की ग्रिपिंग को इंक्रीज करेंगे। ये जो डिक्टेशन होगी ये आपकी, जब मैं डिक्टेट करूंगी तो 40, 60, 70, 80, 90 और 100 तक का लेवल मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ। बट उस सारे आपके स्मार्ट आउटलाइन एंड आउटलाइन एक्सप्लेनेशन के साथ में, जिससे कि आप कहीं पर भी अटके तो आपको मेरा फुल सपोर्ट रहे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं अपनी शॉर्ट हैंड को एक्सप्लेन करना, किस तरह से हम इसको मैनेज करेंगे, इन वर्ड्स को किस तरह से शॉर्टली बनाएंगे जिससे कि हम ग्रिपिंग के साथ फटाफट से लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है हमारा भारत, हमारा देश। तो देखिए भारत में भा में रा का हुक और ता का हुक दोनों बनेंगे, क्योंकि ये हमारा देश है। इवन जैसा कि मैंने कहा कि स्टेट, कंट्री, इन सबको हम मार्क लगाते हैं दो नीचे ताकि ये पता चल सके कि कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो भारत में केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार ने अंततः, तो अंततः के लिए ये बनाया हमने और यहां पर विसर्ग लगाएंगे जिससे कि हम इसको डिफाइन कर सके। अंततः कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन, ठीक है, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। कम्युनिटी ट्रांसमिशन को आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसी में हमने पूरा ऐड कर दिया। तो देखिए कहां हमारा ये इतना बड़ा वर्ड और कहां हमने इसको इतने शॉर्ट फॉर्म में बनाया है। तो हमेशा शॉर्ट हैंड का मोटिव ही यही रहता है कि आप वर्ड्स को शॉर्ट लिख पाए और सबसे इजी उनको समझ पाए। तो स्वीकार कर लिया है, पूर्ण विराम लगाया, सरकार का कहना है कि पूरे देश में नहीं पर कुछ जिलों, अब देखिए जिलों हम यहां पर शॉर्ट नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे क्योंकि ये कम यूज होने वाला वर्ड है और हमें इसको समझना जरूरी है। तो जिलों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति है, पूर्ण विराम, वैसे मात्रा को लगाने से शब्द क्लियर होता है। अब अगर मैं इसको नहीं लगाती तो आप जब पढ़ते तो वैसा भी पढ़ सकते थे, तो मैंने क्या किया वहां पर क्लियरली साउंड डिफाइन कर दिया जिससे कि शब्द पढ़ने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और सेंटेंस बहुत सही बनता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपके सेंटेंस का सही बनना बहुत जरूरी है। अगर सेंटेंस सही नहीं बनेगा तो नॉर्मल है, आप उसको नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए जैसे यह विवाद, थर्ड प्लेस डिफाइन करते हुए बनाएंगे, विवाद पुराना है, पूर्ण विराम, जून महीने का नाम है कि शुरुआत में ही दिल्ली में यह बात, बात का शब्द चिन्ह है हमारा, ठीक है, यह बात समान सामना सामने सामने आ गई थी, छोटा ही बनेगा आ के लिए, ठीक है, कि कोरोना के 50%, अब प्रतिशत का मार्क बनाएंगे या फिर हम प्रतिशत ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप दोनों फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते हैं, बट जब हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो आप प्रतिशत ही लिखेंगे, ठीक है, से ज्यादा मामलों में स्रोत का पता
नहीं चल रहा है। देखिए चल, इसी को डबल कर दिया, रहा है पूर्ण विराम। दिल्ली सरकार कंबाइन कर दिया हमने, ने तब एक तरह से कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन, तो अगेन वही वर्ड आया है। अब एक चीज हमेशा याद रखिए कि एक वर्ड जो आप बनाते हैं, अगर वो एक बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है, इट्स जस्ट ओनली अ सेइंग, आप उसको उसी तरह से बनाएंगे, आप उसको चेंज नहीं करेंगे बार बार। अगर आप हर बार उसी शब्द के लिए, एक ही शब्द के लिए नए नए शब्द बनाते हैं, तो वो आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक होगा, आप ही अपने शब्दों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि एक ही बार बनाइए और एक सा ही बनाइए। कि घोषणा कर दी थी, ये पूरा इतना हमने एडवांस लिखा है, ठीक है। लेकिन कायदे से यह काम, लाइन के ऊपर लिखा है क्योंकि फर्स्ट प्लेस साउंड है, केंद्र सरकार का है। अब देखिए इतने में आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है, गाइस कोई भी कंफ्यूजन होता है, इजी टू स्पीक, ठीक है। आप फ्रिक्वेंटली उसके लिए क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि आपको उसके आंसर मिल सके। अगर आउटलाइन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है गाइस, तो प्लीज यू मे ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर मैं आपको पर्सनली आपकी आउटलाइन से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, मेरी साइड से आपको फुल सपोर्ट है, बट उसके लिए वीडियोस देखना जरूरी है, सो प्लीज वो कंटिन्यू रखिए। आपकी कमेंट्स एंड आपके नोट्स से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस अपलोड करने के लिए, तो वो चीजें कंटिन्यू रखिए। मैं भी अपना वर्क कंटिन्यू रखती हूँ आपके लिए, और मुझे खुशी होती है कि कहीं ना कहीं आपके लिए, इवन आप कहीं भी हैं, आपके लिए वो चीजें हेल्पफुल होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिख क्या है लिखा हमने, सरकार को और केंद्र। अब केंद्र जब सिंपल कहीं आएगा ना, तो यहां पर बड़ा बनाएंगे, का की व्यंजन रेखा को बड़ा कर देंगे, ठीक है। ने तब इससे इनकार, ठीक है। अब यहां पर हम इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो हमने इनकार थर्ड प्लेस लाइन डिफाइन करके दिखा कर दिया था पूर्ण विराम। अब इस मोड़ पर आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक यहां पर एक डॉट रख दीजिए, दैट्स सफिशियंट, सामुदायिक संक्रमण को स्वीकार करने का कोई, देखिए कितने बड़े बड़े शब्द हैं, और जब हम उसको शॉर्टहैंड में बना रहे हैं अपनी स्मार्ट और एडवांस आउटलाइन के थ्रू, तो कितना जल्दी बन जा रहे हैं। तभी तो वो 400 शब्द जो 5 मिनट में बोल देते हैं उसको हम इतनी जल्दी लिख लेते हैं, तो उसके लिए आपकी ग्रिपिंग और स्पीड मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो करने का कोई खास, तो हमने लिखा खास, मतलब का शब्द चिन्ह है नहीं रह गया है पूर्ण विराम, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने लिखा कोरोना का डर, खतरा भले ही थोड़ा कम हुआ है लेकिन उसका फैलाव, ये वाक का शॉर्ट फॉर्म है, फैलाव, ठीक है। अब हमने यहां पर लिखना है इतना बढ़ गया है, तो हमने लिखा इतना बढ़ गया है कि, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किसी वर्ड से रिलेटेड, ठीक है। ज्यादातर मामलों में, तो हमने लिखा ज्यादातर, ज्यादा का शब्द चिन्ह बनाया, इसको डबल कर दिया, मामलों में स्रोत का पता लगाना अब आसान, तो आसान हमने लिखा बाहर को साकार व्रत निकालते हुए, आसान नहीं पूर्ण विराम। अब कोई अगर यह माने कि संक्रमण केवल
बाहर खराब का शब्द चिन्ह है, बाहर से आने वालों को या बाहर से आने वालों से हो रहा है, कंबाइन कर दिया हमने इसको, तो शायद स्वीकार करने में दिक्कत आएगी। तो आगे आएंगे का जो शब्द चिन्ह है ना, उसी में आगे आएंगे लाइन के ऊपर लिखते ना, उसी में साउंड लगा देंगे आएगी, ठीक है। चूंकि गा की व्यंजन रेखा है, हम थोड़ा डार्क लिखते हैं उसको, तो इस तरह से हम इस शब्द को बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सरकार, तो हमने लिखा यहां पर दिल्ली सरकार के बाद केरल और हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार, इसी में ऐड कर देंगे पश्चिम बंगाल सरकार, ठीक है, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सामुदायिक, अब इसी में संक्रमण ऐड कर सकते हैं, संक्रमण सुनिए वर्ड को और ऐड करते जाइए तो भी आप लिख सकते हैं संक्रमण माना है, कॉमा शायद इसी दबाव में केंद्र सरकार को भी आंशिक रूप से मानना पड़ा है, पूर्ण विराम, हालांकि इस सच को पूरी तरह से, कंबाइन कर दिया हमने, स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं, ठीक है, पूर्ण विराम, हां कॉमा यह सही है, ये थोड़ा बड़ा बनेगा, कॉमा देश के अनेक इलाकों में संक्रमण तेज नहीं है और लोग खतरा महसूस, हा को बड़ा बाहर निकाला, सा और सा नहीं कर रहे हैं, ना फिजिकल डिस्टेंसिंग, तो देखिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है, कि पालना हो रही है, साउंड दे दीजिए ज्यादा क्लियर करने के लिए, कॉमा, और ना ही कोई मास्क पहन रहा है, कॉमा, लेकिन वैसे इलाकों, थर्ड प्लेस पे बनाया हमने, बहुवचन लगा दिया, इलाकों में भी कभी ना कभी कोरोना का कोई ना कोई, कोई का सिंबल बनाया, ना का हमने यहाँ पे बना के वहीं पर उसको डिफाइन कर देंगे, तो कोई ना कोई मामला पहुंचा ही है, पूर्ण विराम, ठीक है, पहुंचा ही है। अब इसके बाद देखिए किसी को भी यह लग सकता है पूरे देश में कोरोना का कहर समान रूप से नहीं है, इसलिए संभव है सामुदायिक संक्रमण की बात तकनीकी स्तर पर ना मानी जाए, जाएगा उसी में ऐड कर दिया पूर्ण विराम, ठीक है, तकनीकी स्तर पर ना मानी जाए। इसके बाद देखिए हमने यहां से लिखा अव्वल, तो देखिए आ का डैश लगाया व ल, तो अब सरकार या डॉक्टर भी
कोरोना संक्रमण की श्रृंखला नहीं देख रहे, जिन इलाकों में ज्यादा मरीज हैं वहां इस श्रृंखला की पड़ताल हम ऐसे नहीं लिखेंगे, पड़ताल ला का हुक्म बनाएंगे और उसे तोड़ने की कोशिश अब पहले जैसी नहीं हो रही है। पूर्ण विराम। एक समय था जब कहीं एक भी मामला सामने आता था तब उसकी श्रृंखला खोजी जाती थी। पूर्ण विराम। श्रृंखला खोजने की बाध्यता से हम शायद मई महीने में ही निकल आए। पूर्ण विराम। अनेक मंत्रियों और नेताओं की कोरोना की युवा का शॉर्ट फॉर्म जवरहा से मौत हुई है या अनेक बीमार भी हुए हैं, पर शायद उनके मामले में भी कोरोना स्रोत या श्रृंखला की खोज नहीं हो रही है। डिक्टेशन कंप्लीट। इवन डिक्टेशन राइटिंग कंप्लीट। तो अब आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे, अब इनके सारे वर्ड्स को प्रैक्टिस में लेंगे, बना के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी अगर वर्ड मिस्टेक हो रही है तो आप उसको सेपरेटली अलग से बना पाएं। जब आप वर्ड्स को सेपरेटली प्रैक्टिस में लेंगे ना, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका ही कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा उसमें, ताकि आप उनको बहुत ईजिली बना पाएं, समझ पाएं। तो अभी के लिए ये शॉर्ट हैंड की फुल एक्सप्लेनेशन थी आपकी डिक्टेशन की। अगर ये आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग एंड टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।